सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु के सिमरण मात्र से नाशत विघन अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। कोट कोट मम वंदना, कोट कोट प्रणाम, आदि ब्रह्म पूरण पुरुष श्री सत गुरु सुखदा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। रूहानी शहनशाह परम आराध्य दादा गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन नमन करते हुए, घट घट की पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, करुणा के अवतार दाता दीन दयाल श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणारविंद की वंदना करते हुए, गुरु दरबार के सभी अर्चनीय वंदनीय श्रद्धे महापुरुषों को वंदन करते हुए, गुरु घर के रत्न रूप श्री नंगली दरबार सेवा समिति के सभी छोटे बड़े गुरु प्यारे भक्तजन, ये साधना शिविर के रूप में एक ऐसा प्रयास जहां पूरे गुरु के दरबार में सभी दर पे भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, सभी की मुरादें सतगुरु के इस अद्भुत और अथाह खजाने से हमेशा 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 पूरी होती रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन साधना शिविर के रूप में मानो ये एक ऐसा लिखित प्रार्थना पत्र है। मन में तो भाव होता ही है कि जहां हमें संसार की मुरादें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, वहीं हमें जो गुरु घर का, हमारे सदपुरुषों का, हमारे महापुरुषों का जो असली खजाना है, जो असली धरोहर है, जो नाम का धन है, जो रूहानियत का धन है, जो सच्चा धन है, उसकी उसका जो सागर है, उसमें से भी कुछ बूंदें नसीब हो तो सभी की ओर से ये मानो गुरु चरणों में एक ऐसा भाव है, एक ऐसी एप्लीकेशन है, मानो हमारे दिलों में हमारे गुरु दरबार सेवा समिति के सदस्यों के, गुरु घर के प्यारों के मन में ये ख्याल आया कि सभी को इस रूहानी खजाने में से भी प्रसाद जो है वो मिलता रहे, धीरे धीरे इसके साथ लोग जुड़ते रहें और सभी की झोलियां भरती रहें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है। पुरानी परिस्थितियों को याद करते हैं तो दाता दीनदयाल जी ने पहले ही, अगर दादा गुरुदेव भगवान के जीवन को लेते हैं तो एक एक जो मिनट है उसको तप में, साधना में, भजन में, बंदगी में, अभ्यास में लगाया। इतनी बड़ी दास्तान है, कहां छपरा से टेरी तक सभी भक्तजन सत साहित्य का अध्ययन करते हैं, जहां सदगुरु की उस मोहनी मूरत को मन में लाते हैं तो पूरा जो परोपकार का, उपकार का जो सिलसिला है, कहां से शुरू हुआ, कहां तक गया, तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता,
शब्दों की वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार संसार के जीवों के कल्याण के लिए आप हम सब के लिए दाता दीनदयाल जी ने, सदगुरुदेव भगवान ने, श्री नगली निवासी भगवान ने आगरा की उस तपोभूमि में, उस छोटी सी गुफा में रहकर अपने शरीर को कितने कष्ट दिए, पूर्ण पुरुष होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस खजाने की कमाई करें, इससे अपने जीवन को कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। चकोड़ी साहब जैसे स्थानों पर लोक और परलोक की कुटिया जो बनाई गई, उसका भी कारण यही रहा। लोक की कुटिया में हमारे को, जिज्ञासुओं को, भक्तजनों को, आई हुई संगत को, जो जीवन को निर्वाह करने की और सुंदर संस्कारों से सुसज्जित करने की जो प्रक्रियाएं थी, उसके बारे में साधारण सत्संग के रूप में मार्गदर्शन दिया जाता, और परलोक की कुटिया में जीवन को धन्य करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन का जो मूल मकसद है, मनुष्य शरीर को धारण करने का जो उद्देश्य है, उसको प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से साधना करनी है, ध्यान करना है, जो माध्यम गुरु घर में सतगुरुदेव भगवान ने अपनी जो पीढ़ियां हैं, अपने जो शिष्य हैं, अपने जो उपासक हैं, अपने जो जिज्ञासु हैं, उनको दी। रोज आप गायन करते हैं, सहज समाधि अना अधुनी जब अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भाए। दाता दीनदयाल जी ने अपने वचनों में, अपनी अमृत वाणी से एक एक चीज पर भली भांति प्रकाश डाला है। हमारे महापुरुषों ने दरबार के ग्रंथों में, स्वरूप दर्शन में और सद ग्रंथों में एक एक जो तरीका है उसको करने का, चाहे सहज समाधि है, चाहे अजपा जाप है, चाहे नाद सुनने की प्रक्रिया है, उसको बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। आप सभी लोग उसका अध्ययन करते हैं, कर सकते हैं और करते आए हैं। ध्यातव्य जो है, मकसद जो है, उद्देश्य जो है, जीवन का लक्ष्य जो है, अपनी बात पर वापिस आते हैं तो ये जो साधना शिविर है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी 80-90 के दशक में श्री नगली दरबार में ये साधना शिविर लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद समय, परिस्थिति, वातावरण और जैसे सारे लोगों की, गुरु भाइयों की, संतों की, या कुछ मौसम, लाइट और चीजों को देखते हुए उसको हरिद्वार निजातम प्रेम धाम में शिफ्ट किया, और बहुत समय तक वो चलता रहा। बहुत सारे जिज्ञासुओं ने उसका लाभ लिया। तो व्रती को एकाग्र करेंगे, गुरु चरणों में शत शत वंदन नमन करते हुए और प्रभु चरणों का आसरा लेते हुए, कोई ये तो आप लोगों का भाव है, कभी मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया, बस उसकी मौज में, उसकी कृपा में, अब इसको क्या कहा जाए, यही इसी रूप में इस भाव को किसी तरीके से मन को समझाया, भाई चलो कोई दाता दीनदयाल जी की, सतगुरुदेव भगवान जी की, क्योंकि आपके दिलों में भी वही हैं, तो कोई ऐसी उनकी मर्जी होगी, उसके मुताबिक अपने विचारों को, अपने भावों को, और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, सब वस्तु आपकी है, सब दात आपकी है, सब रहमत आपकी है, सब कृपा और सब मेहरबानी आपकी है। तो अपने भावों को उधर लाएंगे, मनुष्य जीवन का जो मकसद है वो क्या है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न लही परलोक सवारा। मूल जो विषय है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि किस प्रकार हम अपने जो मनुष्य का शरीर मिला है, जो चोला मिला है, 84 लाख योनियों में सर्वोपरि है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने, हमारे सदशास्त्रों ने निर्देशित किया है, तो उसको कैसे सार्थक करना है, इसकी जो सामग्री है, इसका जो उपाय है, ये आप योग साधना शिविर का जो नाम दिया गया है, योग का मतलब ही यही है
कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ये जो जीव आत्मा है परम पिता परमात्मा का अंश है, ये उससे विलग हो गया है, इसको आप वियोग कह सकते हैं। शरीर शोधन की जो प्रक्रिया है, योग क्रियाएं जो आपको संजीव जी समझा रहे हैं और भी समय समय पर योगाचार्य और महापुरुष समझाते रहे हैं, तो मनोवृत्ति को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, जो शरीर का शोधन है, शरीर की स्वस्थता है, इसकी पवित्रता है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है वो कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो जहां ये शरीर शोधन की, शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, वहां मन को भी, ये जो खुराक है मन की खुराक, महापुरुषों ने कहा है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन ते होत त्रिविध कल्याण। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए योग क्रियाएं हैं और मन को पवित्र करने के लिए सद्गुरुदेव भगवान का दिया हुआ जो शब्द है, जो नाम है, जो अनमोल धन है, उसको अभिवृद्ध करना है। इसमें जो चीजें बाधक हैं, ध्यान देना, विशेष रूप से मन है मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षेयो, जीव समझता भी है और अधिक उस तरफ ना जाए, हर एक को ये वातावरण, ये आनंद, ये गुरु का घर, ये गुरु का दर और ये गुरु की रहमत, ये पूरे गुरु की कृपा, ऐसा दरबार, ऐसी संगत, ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे घर परिवार में जन्म सबको नसीब नहीं होता, लेकिन प्रभु की कृपा है, अगर ऐसा हुआ है, ऐसा मौका मिल ही गया है, ऐसा वातावरण बन ही गया है, तो इसका जरूर लाभ लेना चाहिए। तो इसमें जो बाधक है वो मन है, तो मन की जो गति है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, महापुरुषों ने समय समय पर इसके जो साधन हैं, इसके जो उपाय हैं, इसके जो तौर तरीके हैं, उन पर प्रकाश डाला है। अगर गीता को माध्यम बनाते हैं तो निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, भगवान भी इसकी पुष्टि करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। पर गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है, और ये मन ने केवल अर्जुन को ही नहीं, सभी को विचलित और परेशान किया है, और यही इसका स्वभाव है। लेकिन बड़े सहज में हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूज्य गुरु लोगों ने इसको काबू में करने के तरीके, इसको वश में करने के तरीके, इसको गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में सबकी ममता ताग बटोरी लगाने के तरीके खोजे हैं। निजातम बोध में हमारे गुरुदेव भगवान ने एक दृष्टांत के माध्यम से इसको समझाया है, 2 मिनट उसमें अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करेंगे तो लिखा है, ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े सब बल जावे हार। तो एक इस तरह का प्रसंग है कि कोई व्यक्ति मुनादी करता है, शोर मचा रहा है कि मेरे पास एक ऐसा गोस्ट है, भूत है, जो सारे कार्यों को थोड़ी देर में संपन्न कर देता है, लेकिन एक शर्त है, अगर आप इसको खाली रखेंगे तो ये आपको बहुत कष्ट देगा, आपको खा लेगा, आपको परेशान कर देगा। तो एक व्यक्ति इसी बात से परेशान था, उसके पास इतने काम थे, बड़ा कारोबारी था, कोई ना कोई उलझन, कभी फैक्ट्री में, कभी दुकान में, कभी शोरूम में, कभी गोडाउन में, कभी कहीं ट्रांसपोर्ट में, कभी कहीं दफ्तर में, इतने काम थे कि वो मुकते नहीं थे। तो उसने दोबारा पुनरावृत्ति की, बेचने वाले ने, भाई एक बात पर विशेष ध्यान देना, अगर आप इसको काम नहीं बताओ तो ये आपका मामला खराब कर देगा, आपको परेशान कर देगा। तो उसने अनुमान लगाया, तो इतने अनंत काम थे जिनकी कोई और छोर नजर नहीं आती थी। तो कहता है, जी इसको मैं खरीदता हूं, इसका जो भुगतान है मैं करता हूं, क्योंकि मेरे पास इतने काम है, मुकने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस भूत को खरीदा। अब वो मन तो मन ही है, मन जैसा भूत है, जो काम बताए फट कर दे, जो काम बताए फट कर दे, क्योंकि इसकी गति बड़ी विचित्र है। तो प्रेमियों ध्यान देने की बात है,
धीरे धीरे वो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, ऐसा वातावरण बन गया दिल दिमाग का कि कोई काम ही नजर ना आए, सारे काम हो गए। तो भागा भागा जब मुसीबत आई, परेशानी आई, भूत ने ऐसा वातावरण बनाया कि अब उसको कष्ट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसको खा जाएगा। तो महापुरुषों के पास भागे भागे गए, महाराज बचाओ, ये क्या तमाशा दे दिया आपने मुझे, इसने तो जिंदगी भर के सारे काम कुछ समय में समाहित कर दिए, समाप्त कर दिए, जिनकी कोई संभावना नहीं थी, कहीं और छोर नजर नहीं आता था, लेकिन इससे बचाओ। तो महापुरुषों ने ऐसा सुंदर रास्ता बताया कि बेटा ऐसा करो, अपने आंगन के अंदर एक बांस गाड़ और इसको ये समझाओ कि जब इसको संसार का कोई भी काम बताया जाए, दफ्तर का, दुकान का, बाजार का, किसी भी तरह का, तो ये उसको संपादित करे, और जब ये उससे फ्री हो जाए तो इस बांस पर उतरे और चढ़े। स्वाभाविक है, जब ये उतरेगा तो चढ़ना बाकी, और जब चढ़ेगा तो उतरना बाकी। अब ये काम ऐसा है, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो इसी तरीके से प्रेमियों, महापुरुषों के समझाने का तरीका है, सारा कुछ ऑटोमेटिक, प्लांट मशीनरी सब लगा हुआ है। आप सभी विज्ञ हैं, गुरु घर के उपासक हैं, महापुरुषों से, संतों से और सद साहित्य से अध्ययन भी करते रहते हैं, श्रवण भी करते रहते हैं, मनन पठन पाठन भी करते हैं, तो आप परिचित हैं, ये जो भूत है ये मन ही है। और ये मन को, ये जो आंगन में बल्ली गाड़ने की बात है, आप समझते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अपने जो शब्द मिला है सतगुरु से, उसके साथ साथ इसकी गति को ऊपर और नीचे, तो ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, तो सब बल जावे हार। इस तरीके से हमेशा इसको हाथ कारवल ते दिल यारवल, प्रभु सिमरण में, सदगुरु के ध्यान में अपनी वृत्ति को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए रखना है, तो यही मोक्ष का और यही बंधन का कारण है। अगर ये संसार की तरफ लग जाए तो यही बंधन का कारण है। क्यों? इस संसार की जो के जो पदार्थ हैं, संसार के जो प्रलोभन हैं, इसके जो आकर्षण हैं, इसकी जो सामग्रियां हैं, वो इस मन को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन अगर ये प्रभु सिमरण में, प्रभु के ध्यान में, गुरु घर की सेवा में, परोपकार में अगर इसको लगा लिया जाए, और ये जो माध्यम बनाया गया श्वास श्वास सिमरण करने का, ये एक ऐसी अनमोल धरोहर है, एक ऐसा अद्भुत और अनमोल धन है कि तुलनातीत है इसकी किसी और पदार्थ के साथ, किसी और उपलब्धि के साथ, किसी और मणि माने के हीरे जवाहर के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी सतगुरु की जो रहमत है, जो कृपा है, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा अद्भुत दरबार मिला है। उस मोहिनी मूरत को सारी चीजें क्या बताएं, जहां ये माध्यम, ये रास्ता अजपा जाप का, सहज समाधि का सर्वोपरि है, वहां गुरु घर की हर चीज अद्भुत है और ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है, वो भी बेमिसाल है। निराली शान सतगुरु जी तुम्हारे दर की देखी है, परिस्थित वरना दुनिया भर में मालो जर की देखी है, तेरे दर की गदाई दो जहां की बादशाही है, और बना जो आपका बंदा मिली उसको खुदाई है। ऐसा जो अद्भुत स्वरूप है नंगली निवासी भगवान जी का, और उसके साथ साथ इस प्रकार महापुरुषों की, संतों की जो कड़ी बनाई गई, किसी भी महापुरुष को अपनी स्मृति में लाएं, अपने अपने ख्याल की बात है, जिस जिस महापुरुष का, जिस जिस को सानिध्य मिला है, पूज्य गुरुदेव के साथ पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य होंगे, जो ऐसा मौका मिल गया, उनको सतगुरु के प्यार में ऐसा विभोर देखा, आंखों में छलकते हुए वो आंसू, जब कभी
सदगुरुदेव भगवान का नाम आना और बस तर बतर हो जाना और ऐसी स्थिति में चले जाना, वो सजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का, इबादते बाहोश तो ही ने इबादत है। और कई ऐसी रचनाएं यासू उनकी है, देन हमको इन्हीं से मिलता है चैन हमको, तो तरह तरह से ऐसे ऐसे अद्भुत भाव भजनों के रूप में, अपने जो सत्संग उपदेशों के रूप में, वचनों के रूप में अपनी मनोवृत्ति को वापिस लाएंगे, उस तरफ चलेंगे। तो बात मन की हो रही थी, तो किस प्रकार से इसको गुरु चरणों में लगाना है, गुरु सेवा में लगाना है, ये जो प्रकल्प है जिसको आप लेकर चल रहे हैं, सेवा में, सिमरण में, सेवा का भी एक बहुत बड़ा अभिप्राय है। ये एक ऐसी अद्भुत सेवा है, गुरु सेवा ते चाकरी, ध्यान देना, सुखों से सुखसार जगत मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार। जितने भी गुरु घर की सेवा के प्रकल्प हैं, उनमें किसी भी प्रकार से, जैसे आपने ये योग साधना शिविर का जो आयोजन किया, जो प्रयास किया, इसके पीछे भी यही है कि हमारे जो गुरु दरबार के भक्त जन हैं, प्रेमी जन हैं, नए पुराने जितने बच्चे हैं, उनको इससे एक सद्प्रेरणा मिले, कुछ वो श्रवण करें, कुछ देखें और कुछ उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो, गुरु घर के पावन साहित्य का अध्ययन करें और इससे अभ्यास करने की, साधना करने की, ध्यान करने की, अजपा जाप करने की एक जो प्रेरणा मिले। और बात तो कहने की नहीं है, सही मायने में बात करने की है। ये करनी का घर है, करनी का दरबार है, हमारे महापुरुषों ने करनी की है, करनी की है और ऐसी करनी की है, आप देख रहे हैं अपने आप को बिल्कुल, क्या कहेंगे उसको, इस प्रकल्प के लिए, मानव जीवन के, संसार के पामर जीवों के कल्याण के लिए, संसार के जो ये प्रलोभन है इसमें बहते हुए लोगों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए महापुरुषों ने जैसे कहा है कि कलयुग काली बादरी झड़झड़ पड़े अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, तो हमारे महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानी की है, अपने आप को मिटाया है और इस तरह मिटाया है, और मिटाना जरूरी भी है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। महापुरुषों का कथन है, मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस तरीके से अपने आप को, अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को प्रैक्टिकली प्रभु का सिमरण करके, प्रभु का ध्यान करके और संसार के जीवों को कल्याण करके, देखो मार्ग में जाते हुए भी आप ऐसे सीन देखो, पलंग पर विराजमान है सद्गुरुदेव, नगली निवासी भगवान, संगत साथ चल रही है और सत्संग जारी है, एक एक सांस सांस, एक एक पल पल, मतलब ये देखा जाए किसी भी तरीके से जिस नियमित, जिस कारण, जिस उद्देश्य और मकसद को लेकर उन्होंने धराधाम पर उनका आगमन प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ, अपने एक क्षण क्षण का उस विशेष जो कार्य है, परमारथ हित अवतार जगत में गुरा जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, तो उसका पूरा उपयोग किया है। अब रही बात इसकी कि सतगुरु के दरबार में कुछ कड़वी और कुछ मीठी बातें भी होती हैं, कमी काहो की नाए पर बंदा मौज ना पावे ही चूक चाकरी में, कभी भी उस प्रभु की ओर से, उस दीन दयाल की ओर से, उस कृपा निधान की ओर से, उस करुणा समुद्र की ओर से, उधर से कभी कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है वो हम जीवों की ओर से ही है, तो ध्यान देना अब बात करने की है। तो करने में यह है, जो मुश्किल काम था
जो कष्ट थे, जो परेशानियां थी, जो अपने बस से बाहर था, जो हम लोग नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने ऊपर लिया। वो कष्ट सहे, वो परेशानियां सही, वो तपस्या की, तेरे तप साधनों की बात क्या क्या कह सुनाऊं मैं, उठाए कष्ट दिन और रात, क्या लिखूं क्या गाऊं मैं। वापिस उस शक्ति पुंज की ओर जाते हैं, है नगरी आगरा की धन्य गलियां भाग्यशाली हैं, जहां मंदूकड़ी करते रहे दुनिया के वाली हैं, ये देखा सैकड़ों भक्तों ने क्या डंका बजाऊं मैं, उठाए कष्ट दिन और रात, क्या लिखूं क्या गाऊं मैं, तेरे तप साधनों की बात क्या क्या कह सुनाऊं। खैर, क्यों किया ऐसा, अब ये बहुत बड़ी भारी बात है, ना समझे तो बात अलग है, और उसका कारण यही है, उसका कारण हम लोगों का, हम जीवों का, हम बच्चों का, हमारे जीवन का उत्थान करना है, कल्याण करना है। उस प्रभु की ऐसी रहमत, ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी कृपालता, वो अनंत है, वो अथाह है, तो उसका लाभ लेने का एक माध्यम है। ध्यान देना, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो ख्याल है, कई बार अगर प्रैक्टिकली हम अपने जीवन को उसमें लगा लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि और उतना वैसा कोई कर भी नहीं सकता, वैसा कोई नहीं कर सकता, वैसा तप नहीं कोई कर सकता, वैसी कोई साधना नहीं कर सकता, वैसा अपने आप को कोई गला और मिटा नहीं सकता, लेकिन वो सारे दृश्य को दिल दिमाग में रखकर उसका जितना लाभ लिया जा सकता है, सद्गुरुदेव भगवान ऐसी रहमत, ऐसी कृपा करें कि कुछ ना कुछ हम उसका लाभ ले सके। भटक जाता है जीव, और महापुरुष कहते हैं कहीं का कहीं पहुंच जाता है, उधर मंजिल नहीं होती जिधर मालूम होती है। शास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग हैं, हर जीव सुख और शांति तो चाहता है, लेकिन है कहीं, है तो अंदर, जैसा दाता दीनदयाल जी ने समझाया है, और वो ढूंढता फिरता बाहर है। शास्त्र में जैसे मरु मरीचिका का प्रसंग आता है, रेगिस्तान की तप तपाती गर्मी, धूप और रेत में जब मृग को बहुत प्यास लगती है, जैसे संसार की परेशानियों में जीव को सुख और शांति की प्यास लगती है, लेकिन वो ढूंढता फिर उसी में, किसमें, संसार के पदार्थों में, संसार के विषयों में, संसार की पद प्रतिष्ठा में, और लेकिन वो सच्चा सुख जो आपके अंदर छिपा हुआ है, प्रभु का जो स्वरूप आपके अंदर विद्यमान है, जब तक वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होगी, सद्गुरुदेव भगवान के वचनों पर, उनके मार्गदर्शन पर, उनके दिशा निर्देश पर, उस पर जीवन में कुछ अमल नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो मरु मारीचिका के प्रसंग में क्या होता है, प्यासा होता है मृग, और कड़कती धूप होती है, और रेत इस तरीके से चमकती है जैसे कोई अथाह समुद्र भरा हुआ है जल का, तो मृग उस तरफ भागता है। अब आप देखो, एक प्यास है, एक ऊपर से गर्मी है, एक नीचे से तपतपाती रेत है, एक शरीर में जो जल राशि है उसकी अत्यंत आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में वो भागने से जो शरीर की ऊर्जा है वो अपेक्षाकृत सामान्यता चलने से कई गुना ज्यादा खर्च होती है, पर आपको पता ही है वह जल तो है ही नहीं, वो जितना भागता है, जितना भागता है, जितना भागता है, उतनी वो पानी की शरीर को जो जल की जरूरत है वो बढ़ती चली जाती, और अंतिम परिणाम क्या होता है, अंतिम परिणाम यही होता है कि वो अपने जीवन से
हाथ धो बैठता है। तो महापुरुष कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विदावे हाथ कहे कभी।